मुझे जानने के लिए सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी बजाना मत भूलना। इंस्टेंट गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, तो आप सेव कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहले गाइस, मैंने गार्लिक लिया था, तो छोटे छोटे पीसेस थे, 6 to around क्लोव्स ऑफ गार्लिक। तो इसको आपने बारीक कद्दूकस करना है। सो जैसे कि ये सारा हो गया है, तो इसी को हम यूज़ करेंगे गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए। तो गाइज़, मैंने अब थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे सॉफ्ट हुआ बटर लिया है, 1/4 cup ऑलमोस्ट। तो इसको मैश करेंगे और इसमें मैंने वो गार्लिक डाल देना है क्रश किया हुआ। तो गाइज़, बाकी अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया बारीक कटा हुआ और सीजनिंग्स, जिसमें चिली फ्लेक्स और ऑरेगानो, दोनों चीज़ें डाली हैं मैंने, और अच्छे से करेंगे मिक्स। सो ये बहुत अच्छा फ्लेवर लाएगा गार्लिक ब्रेड में। तो ये प्रॉपर मिक्स हो चुका है गाइज़। तो अब दूसरी कटोरी में मैं नॉर्मल बटर लूँगी, थोड़ा सा, लाइक ऑलमोस्ट 2 tablespoon बटर है, और थोड़ा सा धनिया डालूँगी। सो ये मैं अलग इसको मिक्स करके रखूँगी, और इसमें सीजनिंग्स नहीं ऐड कर रही, ये सेपरेट रहेगा बिना सीजनिंग्स का बटर। तो इसको भी किया अच्छे से मिक्स। सो इट्स बोथ द यू नो बटर्स आर रेडी नाउ। तो अब गाइज, आपने ब्राउन ब्रेड लेनी है, ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं या वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं, तो आई प्रेफर ब्राउन ब्रेड ओनली। तो इस पे गाइज, आपने जो सीजनिंग्स वाला बटर है ये एक साइड पे लगाना है और दूसरी पे भी, दोनों मतलब स्लाइसेस जो है ब्रेड के दोनों साइड ये लगा दीजिए। बहुत ओवर मत करिए, मतलब ठीक हल्का हल्का लगाएं ताकि जो फ्लेवर है बहुत तीखा ना हो जाए। तो गाइज, अब बीच में मैं डालूँगी कद्दूकस किया हुआ पिज़्ज़ा चीज़, मोज़रेला, एनी चीज़ यू कैन ऐड, अगर नहीं है तो चीज़ स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। तो कवर कर दीजिए ब्रेड को, और गाइज़ जो बिना सीजनिंग्स के बटर था ना, वो मैं इस साइड पे ऊपर स्प्रेड करूँगी। तो बटर आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, कम ज़्यादा। और इस पे गाइज़ मैंने थोड़ी सी सीजनिंग स्प्रेड करी ऊपर, और ऑरेगानो भी किया। ये प्लेन बटर मैंने इसीलिए बनाया है गाइज़, ताकि गार्लिक का फ्लेवर बहुत इंटेंस ना हो। अगर ऊपर भी वही लगाते तो बहुत गार्लिक डोमिनेट करना था टेस्ट में। तो सीजनिंग्स वाली साइड थी जिस पे बटर लगा था, उसको मैं तवे के ऊपर रखूँगी और दूसरी साइड पे अब प्लेन बटर लगा दूँगी। सो थोड़ी सी सीजनिंग ऊपर स्प्रेड करिए। तो इसमें गाइज़ आपने अपने अकॉर्डिंग करा, तो दैट मीन्स अगर आप स्किप भी करना चाहें कर सकते हैं। सो अब दूसरी साइड को भी आप ऐसे ही टोस्ट करेंगे। तो हाई फ्लेम पे ही कुक करिए, स्लो पे नहीं, तो क्रिस्पी बनेगा आपका जो ये गार्लिक ब्रेड है। सो इट्स रेडी, इसको किया ट्रांसफ़र, और यू नो 3 slices में इसको काटिए एक ब्रेड को। सो सी हाउ ब्यूटीफुल एंड चीज़ी इट इज़ गाइज। सो ऐसे ही मैंने दूसरा पेयर भी रेडी किया। सो 3 pairs इससे गाइज रेडी हो जाएंगे, 3 to 4 pairs आप आराम से रेडी कर सकते हैं। सो अगेन द सेम स्टेप, और इट्स रेडी गाइज। सी हाउ क्रिस्पी, हाउ चीज़ी इट इज़, एग्जैक्टली वैसा फ्लेवर आ रहा था। तो आपकी अगर क्रेविंग्स है तो डेफिनेटली आप ये ट्राई कर सकते हैं, और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं है। सो आई होप यू इन्जॉय दिस वीडियो गाइज, डू हिट द लाइक बटन, कॉमेंट एंड शेयर पिक्चर्स विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम गिगल्स बाय मीनाक्षी। कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय।